हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, रेलवे का ग्रुप डी का जो 1 लाख वैकेंसी आने वाला था वो आ चुका है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है। इसके रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस इससे पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ जोन वाइज वैकेंसी, कौन सा जोन में कितना वैकेंसी है, और सेफ जोन कौन सा जोन में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपकी सिलेक्शन चांसेस रहेगा। तो इसके रिगार्डिंग आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो अच्छा लगेगा जरूर एक लाइक कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर रेलवे का जो लेवल 1 और NTPC जो वैकेंसी निकल के आया है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जब अभी एग्जाम हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट का चाहिए तो आपको लिए इम्पोर्टेंट ई बुक बना के रखा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उधर से डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज देख सकते हो ये CEN 01 2019 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है ये आज की डेट में 12 तारीख से, 12 मार्च से शुरू हो के यहाँ पे 12 अप्रैल तक यहाँ पे चलेगा, 1 महीना चलेगा। कैसे आपको अप्लाई करना है उसके रिगार्डिंग एक वीडियोस बना दूंगा, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखा दूंगा ताकि आप लोग को ईजी रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ यहाँ पे कौन सा जोन में कितना वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी है, और कौन सा जोन आप लोग के लिए सही रहेगा। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो वैकेंसी टेबल पूरा दिया गया है, आप लोग को दिखा देता हूँ। रेलवे यहाँ पे जितना भी यूनिटी है आपकी, 16 यूनिटी है, 16 यूनिटी दिया गया है, और अनरिजर्व SC ST OBC EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और टोटल वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है, और ये सारे एक्स सर्विसमैन PWD कैंडिडेट के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो सेंट्रल रेलवे जो है टोटल वैकेंसी है 9,300 वैकेंसी है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जो आपकी 3,560 वैकेंसी है, तो ईस्ट कोस्ट रेलवे का 2,500 वैकेंसी है। उसके बाद ईस्टर्न रेलवे का, दोस्तों ईस्टर्न रेलवे और मेट्रो जो है वो ईस्टर्न रेलवे कहाँ पे, कोलकाता में है, कोलकाता में टोटल वैकेंसी है 10,800, मतलब लगभग हाईएस्ट जैसा ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी है कोलकाता में 10,800। तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे यहाँ पे मैं बोलूँगा आप लोग को, लास्ट में बोलूँगा कौन सा जोन आप लोग के लिए सही रहेगा। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में यहाँ पे 4,700, और नॉर्थ ईस्ट रेलवे में यहाँ पे 4,200, और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में आपकी 5,200। तो उसके बाद नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में यहाँ पे 2,894 वैकेंसी है, और यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा वैकेंसी है नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे जहाँ पे न्यू दिल्ली में, नॉर्दर्न रेलवे में 13,000 करीब वैकेंसी है, ये हाईएस्ट वैकेंसी है। उसके बाद जो आता है ये 10,000 कोलकाता वैकेंसी है, तो 13,000 वैकेंसी है नॉर्दर्न। उसके बाद साउथ सेंट्रल रेलवे में 9,328 वैकेंसी है, फिर साउथ ईस्ट रेलवे में 1,600 वैकेंसी है, साउथ ईस्टर्न रेलवे में, साउथ ईस्टर्न भी कोलकाता में है, 4,900 वैकेंसी है। उसके बाद साउथ वेस्टर्न रेलवे में 7,000, ये शायद थर्ड हाईएस्ट वैकेंसी है 7,000, और सॉरी यहाँ पे 9,000 भी वैकेंसी है साउथ वेस्टर्न, ये थर्ड है, ये फोर्थ है 7,000। उसके बाद दोस्तों आता है साउदर्न रेलवे, साउदर्न रेलवे में 9,500 आता है। उसके बाद साउथ वेस्ट सेंट्रल रेलवे में 4,000 आता है। उसके बाद दोस्तों वेस्टर्न रेलवे में 10,734 वैकेंसी है। तो टोटल कुल मिला के यहाँ पे दोस्तों 1,03,769 वैकेंसी टोटल कुल मिला के है। ये था दोस्तों जोन वाइज वैकेंसी, जिसमें से ऑन रिजर्व के लिए स्पेशली रखा गया है, ओबीसी के लिए, SC ST के लिए अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इस बार भी EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन उन लोगों के लिए अलग रिजर्वेशन रखा गया है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का अगर सर्टिफिकेट है तो उसको आप निकाल के इसको अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात दिया गया है कि सबके लिए रिजर्वेशन रखा गया है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए भी रिजर्वेशन रखा गया है। दोस्तों, PWBD रिजर्वेशन जो है वो कुछ पोस्ट के लिए रिजर्वेशन नहीं रखा गया है। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, असिस्टेंट पॉइंटमैन और असिस्टेंट ब्रिज और
ट्रैक मेंटेनर ग्रेड वी, ये पोस्ट के लिए पीडब्ल्यूबीडी के लिए रिजर्वेशन नहीं रखा गया है ड्यू टू यहाँ पे कैनॉट बी गिवेन टू जॉब रिक्वायरमेंट। यहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट वाइज यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं रखा गया है। हम पे दोस्तों क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग कल भी बता दिया था और एक बार बता देता हूँ क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो 10th पास और ITI सभी लोगों ने अप्लाई कर सकते हैं। 10th वालों भी अप्लाई कर सकते हैं और ITI वालों भी अप्लाई कर सकते हैं, और डिप्लोमा डिग्री वालों बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते अगर उनके पास ITI नहीं है। दोस्तों कुल मिला के 17 पोस्ट है, 17 पोस्ट के लिए सारे एलिजिबल हो सकते हो और मेडिकल स्टैंडर्ड आप देखने के बाद ही अप्लाई कीजिए। दोस्तों यहाँ पे जॉन वाइज वैकेंसी मैंने जो टोटल वैकेंसी बताया और उसके बाद यहाँ पे पोस्ट वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वैकेंसी टेबल, ये जो वैकेंसी है दोस्तों सेंट्रल रेलवे मुंबई के लिए, मुंबई का टोटल वैकेंसी कितना है 9,345 टोटल वैकेंसी है और पोस्ट वाइज वैकेंसी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें से ऑन रिजर्व का 3,597 वैकेंसी है और SC का 1,398 वैकेंसी है, ST का 759 वैकेंसी है और OBC का 2,656 टोटल कुल मिला के वैकेंसी है। इसी तरीके में ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हाजीपुर में टोटल वैकेंसी है दोस्तों 3,500 और पूरा ये वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है आपकी ऑन रिजर्व OBC ST और सारे पोस्ट वाइज यहाँ पे वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। दोस्तों देख सकते हो, आप लोग को यहाँ पे PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उधर से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद ये सारे आप पढ़ सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे कई सारा जोन्स है और दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि आप लोग के लिए कौन सा जोन सही रहेगा। तो दोस्तों सही रहेगा कि बात आता है तो आप लोग को पूछना, खुद को पूछना पड़ेगा आपकी प्रिपेरेशन लेवल क्या है, प्रिपेरेशन लेवल कैसा है। कि यहाँ पे दोस्तों आप लोग ग्रुप डी LP दिए हो तो आप सबको पता चल गया होगा किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। सपोज आपकी प्रिपेरेशन लेवल 80% जैसा है, इस बार कट ऑफ आपको पता चल गया होगा 80 से नीचे एवरेज कट ऑफ गया नहीं, 80 से ऊपर सारे कट ऑफ गया है। तो अगर आपके पास 80% जैसा कट ऑफ रख सकते हो, 80% जैसा स्कोर रख सकते हो, उसके बाद अगर आप सोच रहे हो कि अच्छा जोन में जहाँ पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो सारे अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे 13,000 वैकेंसी है, 13,153 वैकेंसी है, नॉर्दर्न रेलवे में अप्लाई करना चाहते हो तो उसी हिसाब में आपकी तैयारी होना चाहिए और आपको स्कोर होना चाहिए। और दोस्तों ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट आएंगे और उसी हिसाब में वो लोग तैयारी करके आएंगे, ताकि उन लोगों ने 80% रख सकते हो। अगर आप 60% रख के इस जगह में जा रहे हो तो आप उधर क्वालिफाई नहीं कर पाओगी। भले आप 60% रख रहे हो तो आपकी खुद का बोर्ड में अप्लाई करिए, खुद का बोर्ड में अप्लाई करिए, होगा नहीं होगा वो आपकी ऊपर डिपेंड कर रहा है। पर बाहर जाके एग्जाम दे के फिर आके सोच रहे हो यार 60 रख रहा हूँ होगा कि नहीं होगा, वो बिल्कुल ही नहीं होगा दोस्तों। इसीलिए आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे आपकी अगर आपकी कट ऑफ कम, मतलब इस बार सिक्योर कम रखा था, तो आपकी नज़दीक का बोर्ड अप्लाई कीजिए ताकि उधर आपकी जॉब हो सके, सिक्योर हो सके। और यहाँ पे बोलना चाहूँगा जहाँ पे कम पोस्ट है और वहाँ पे लोकल स्टूडेंट ही अप्लाई करेंगे, वहाँ पे बाहर से स्टूडेंट नहीं आएंगे, अपना स्टेट का स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, जैसे कि 13,000 वैकेंसी है यहाँ पे कोलकाता में, वेस्टर्न रेलवे में 10,000 वैकेंसी है, कोलकाता में 10,000 वैकेंसी है, उसके बाद यहाँ पे साउदर्न रेलवे में 9,000 वैकेंसी है। तो ये सब जगह में दूसरे स्टेट से स्टूडेंट आएंगे जिनका प्रिपेरेशन लेवल हाई होगा, तो उनके साथ आपको कंपटीशन करना बहुत मुसीबत हो जाएगा। इसीलिए रिक्वेस्ट करूंगा प्रिपेरेशन वाइज आप जोन चॉइस कीजिए। प्रिपेरेशन अच्छा है तो आप अच्छा जोन में अप्लाई कीजिए, प्रिपेरेशन खराब है तो आपकी खुद का जोन में अप्लाई कीजिए। यही था आप मेरे आपके लिए सजेशन है। तो दोस्तों ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर रेलवे का जो लेवल 1 और NTPC जो वैकेंसी निकल के आया है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जब अभी एग्जाम हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट का चाहिए, तो आपको लिए इम्पोर्टेंट ई बुक बना के रखा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उधर से डाउनलोड कर सकते हो।